मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन आधा स्टेट रिएक्शन तक पढ़ चुके हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, विच विल बी होमोलोगेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे सवाल उठेगा कि जो लास्ट रिएक्शन पढ़ी थी वो भी तो होमोलोगेशन थी, तो वो एक स्पेशल केस था जब हम कार्बोक्सिलिक के लिए होमोलोगेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे और उधर कुछ पॉइंट और डिफरेंट थे। वहां पे अगर तुम बच्चों ध्यान से देखो तो हमने पहला रिएक्शन कराया था SOCl2 के साथ, उससे क्या हुआ था, उससे जो OH ग्रुप था वो क्लोरीन से रिप्लेस हो गया था और क्लोरीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो पूरे रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो हमारा चेंज हो गया था। अगर तुमको ध्यान हो तो उधर CH2R और C के बीच में लग रहा था, ठीक। ये रिएक्शन थोड़ी सी अलग होगी, एसिडिक हाइड्रोजन की ही रिएक्शन है। यहाँ पे जो CH2 ग्रुप लगने वाला है, होमोलोगेशन है तो CH2 का ही चेंज आएगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में लगेगा। देखते हैं अभी किस तरीके से। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो रिएक्शन है हमारी, ये भी किसकी रिएक्शन है, एसिडिक हाइड्रोजन की, ठीक है। अब एसिडिक हाइड्रोजन में ग्रुप कौन कौन से आ जाएंगे, OH आ गया, SH आ गया, CLH आ गया, FH आ गया, ऐसे ग्रुप्स जिसमें कि हाइड्रोजन किससे अटैच्ड है, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। तो इन सारे केसेस में ये जो हाइड्रोजन होगा हमारा एसिडिक हाइड्रोजन हो जाए, ठीक है। तो रिएक्शन देख लेते हैं पहले, रिएक्शन कैसे होती है। जैसे लेट से यहां पे हमने एक अल्कोहल ले लिया, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर मैं करा देता हूं CH2N2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ROCH3 बन जाएगा। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा स्प्लिट करके लिखूं तो ROCH2H ये लिखा हुआ है। तो जो होमोलोगेशन हुआ, मतलब जो CH2 ग्रुप आया वो किस किस के बीच में आया, O और H के बीच में। तो देखो ये R डाइस्टर रिएक्शन से डिफरेंट रिएक्शन है। वहां पे CH2 ग्रुप तो जो था वो R और C के बीच में आ रहा था, जो कार्बोक्सिलिक का C था, ठीक है। वैसा क्यों हो रहा था, क्योंकि हमने क्लोरीन लगा के पहले एक अच्छा लीविंग ग्रुप लगा लिया था, तो रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म डिफरेंट हो गया था। इधर मेरे पास CH2N2 के साथ हीट है, तो यहाँ पे कार्बीन का फॉर्मेशन कर देगा ये, क्योंकि एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होने चाहिए। यहाँ से N2 रिमूव हो जाएगा और कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसपे कि इस O का लोन पेयर अटैक कर देगा, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं अपन एक बार। चलो इसका मैकेनिज्म अगर देखें तो देखो मैकेनिज्म कैसे होगा। पहले स्टेप में CH2 ये रहता है, कोई तकलीफ नहीं इसमें, ठीक। फिर क्या होता है, इधर ये इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ये लोन पेयर इधर, ये इधर, तो ये एग्जिस्ट करता है अपना CH2-N(NN) with + charge, ठीक है, यहां नेगेटिव चार्ज, इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो ये जो लोन पेयर यहां पे आया, अब इसको अटैक करने के लिए यहां पे कोई पोजीशन नहीं है। जैसे अनडाइस्टर्ड में कार्बोनिल ग्रुप था, तो ये लोन पेयर जाके कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक कर सकता था, क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए काफी सूटेबल लोकेशन है। लेकिन यहां पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इधर क्या हो रहा है, हीट भी है, और हीट है तो हम डिस्कस कर चुके हैं एंट्रोपी बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। तो यहां पे अब हमारे पास इस तरीके से कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ये बाहर जा गया, तो ये बाहर निकल गया N2 गैस, ये क्या मिल गया हमको, एक सिंगलेट कार्बीन। अब देखो इसकी फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ROH, और इस ROH में O के पास है लोन पेयर, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, ये लोन पेयर क्या करेंगे, इस पे अटैक कर देंगे, ठीक। इस पे अटैक करा इस वाले वेकेंट ऑर्बिटल पे, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया हमारे पास, देखो इधर फॉर्म हो गया ROH, यहाँ पे था O ने लोन पेयर दिया तो प्लस चार्ज, C को दिया H, और C के पास जो अपना नेगेटिव, जो अपना लोन पेयर था वो लोन पेयर यहाँ पे इसके पास अभी भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम हाइड्रोजन एक्सचेंज होते ही इसका भी काम निपट गया और इसका भी काम निपट गया। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन एक्सचेंज हुआ तो क्या बना, ROCH3, यही था हमारा प्रोडक्ट रिएक्शन का। तो काफी सिंपल मैकेनिज्म है होमोलोगेशन रिएक्शन का, इस तरीके से यहाँ पे ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो। आई होप क्लियर है, ठीक है। चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो बच्चों इस पे सवाल कैसे आ सकते हैं, जैसे लेट से तुमने HCl के साथ रिएक्शन करा दी
CH2N2 heat. है वही वाला केस, इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन ये कर सकता है रिएक्शन, तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3Cl, क्योंकि H और Cl के बीच में क्या लग गया, CH2. बहुत सिंपल है प्रोडक्ट बनाना, यहाँ पे काफी सिंपल मैकेनिज्म मैंने तुमको बता ही दिया. सेकेंड, अगर यहाँ पे अपन कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH और इसका रिएक्शन कराता हूं CH2N2 हीट के साथ, इधर क्या होगा, जो होमोलोगेशन होगा वो O और H के बीच में होगा, क्योंकि यहाँ कार्बोनिल पे अटैक करने वाला केस ही नहीं बन रहा, यहाँ कार्बीन बन रहा, ठीक है. तो इधर क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, OCH3, दिस विल बी द प्रोडक्ट. तो है ये रिएक्शन R डाइस्टेंट रिएक्शन से डिफरेंट, उसमें हमने पहले SOCl2 के साथ रिएक्ट कराया था तो इधर एक अच्छा लीविंग ग्रुप बन गया था, तो ये रिएक्शन उसके मुकाबले में काफी डिफरेंट. आई होप ये क्लियर है. सो दिस इज ऑल अबाउट होमोलोगेशन रिएक्शन, ये होती है अपनी एक सिंपल सी होमोलोगेशन रिएक्शन, ठीक है. ठीक, तो ये अपन ने यहां पे पढ़ लिया अपना होमोलोगेशन रिएक्शन के बारे में. अब नेक्स्ट अपन चलते हैं साइमन स्मिथ रिएक्शन. नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है हमारी, साइमन स्मिथ रिएक्शन. देखो सबसे पहली बात, जो हमने पहली रिएक्शन पढ़ी थी कार्बीन की, एडिशन ऑन एल्कीन, ये एकदम सिमिलर रिएक्शन है, बस यहां पे डिफरेंस क्या आता है, इंटरमीडिएट जो है वो काफी अजीब सा इंटरमीडिएट बनता है, ऐसा इंटरमीडिएट हमारे पास पहली रिएक्शन में नहीं बनता था. तो यहां पे अपन पॉइंट लिख लें, इट इज सिमिलर टू एडिशन ऑन एल्कीन. एल्कीन पे जो हमने कार्बीन का एडिशन देखा था एकदम वैसी ही रिएक्शन है, बट यहां पे जो इंटरमीडिएट होता है वो अनलाइकली इंटरमीडिएट है, बट अनलाइकली इंटरमीडिएट, कि यहां पे जो इंटरमीडिएट है वो क्या बनेगा अपना, थोड़ा सा अलग तरीके का इंटरमीडिएट बनेगा. तो इसमें आगे देखते हैं अपन किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगी. तो देखो रिएक्शन क्या होती है अपनी, यहां पे अगर मैंने एक एल्कीन लिया, CH2I2 जिंक के साथ, ठीक है, रिएजेंट पे ध्यान दो, जिंक के साथ CH2I2 को लिया, तो इधर प्रोडक्ट जो बनता है वो प्रोडक्ट अपना ये प्रोडक्ट आता है CH3H H CH3. अब देखो एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है, सो दिस इज अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन. ये कैसी रिएक्शन होती है अपनी, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, क्योंकि एक टाइप के रिएक्टेंट से एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है, ये मैं पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं. सो दिस इज अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन. रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से, देखो किस तरीके से. अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करता हूं यहां पे, तो सबसे पहले मेटल इन्वॉल्व्ड है, जिंक, Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन, ये यहां पे दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा. ये इलेक्ट्रॉन जाके अपना इसके साथ छेड़खानी करेंगे, किस तरीके से, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, ये है, दो इलेक्ट्रॉन हमको मिल चुके हैं यहां पे जिंक से, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये आयोडीन बाहर, क्योंकि आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, तो यहां पे आयोडीन बाहर निकल गया. आयोडीन के बाहर निकलने पे इधर ये लोन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन आए लोन पेयर की फॉर्म में आ गए, ये आयोडीन प्लस आई माइनस, ठीक. तो यहां पे ये जो एग्जिस्ट करता है ये कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि Zn2+ था, आई माइनस और एक ये नेगेटिव चार्ज. तो ये यहां पे इस तरीके से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक की फॉर्म में, देख पा रहे हो क्लियरली. अब इधर पॉइंट क्या है, देखो ऐसा हम पहले भी सिनेरियो पढ़ चुके हैं कि इधर लोन पेयर आ रहा था तो आयोडीन बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया था, तो उस केस में यहां पे क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा कार्बीन. और कैसा कार्बीन बनेगा, सिंगलेट कार्बीन. लेकिन फिर पूरी रिएक्शन में मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो सिंगलेट कार्बिन को क्या कर सके, स्टेबल कर सके. तो ऐसे केस में वो सिंगलेट कार्बिन किस में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा ट्रिपलेट कार्बिन में कन्वर्ट होने की. ट्रिपलेट कार्बिन अगर बन गया यहां पे, तो देखो ध्यान से, ट्रिपलेट कार्बिन के साथ एल्कीन की रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होती थी. यहां पे हमको दोनों प्रोडक्ट्स मिलेंगे,
दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ये वाला भी और रोटेशन होके जो दूसरा प्रोडक्ट बनता वो भी। तो इसका मतलब इधर ट्रिपलेट कार्बिन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। लेकिन मैं यहां से आयोडीन निकालूंगा तो कार्बिन बनेगा और वो ट्रिपलेट ही बनेगा। इसका मतलब यहां पे इस पॉइंट पे आयोडीन नहीं निकल रहा है। क्लियर ये पॉइंट? तो अब फिर क्या टर्न अराउंड होगा, किस तरीके से हम रिएक्शन को आगे लेकर जाए अगर कार्बिन नहीं बन रहा है तो देखो हमको दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। और दूसरे तरीके में क्या हो जाता है, फिर इधर देखो एल्कीन तो है ही हमारे पास, तो ये जो एल्कीन है हमारा, ये एल्कीन CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H H, जो ये अपना बना है इधर, इधर मैं आयोडीन ले लेता हूं, H ले लेता हूं। एक काम करता हूं, मैं यहां लोन पेयर बनाता हूं ताकि रिएक्शन देखना आसान हो जाए। तो इधर दोनों स्टेप हमारे एक ही टाइम पे हो रहे हैं। क्या मतलब? इसका अटैक यहां पे, ये यहां पे, ये इधर, आयोडीन इसी टाइम पे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मतलब आयोडीन का लीव करना और ये पूरी रिएक्शन होना एक सिंगल स्टेप में हो रहा है। तो उससे हमने क्या चीज हमारी कंफर्म कर ली कि हमारे पास यहाँ पे कार्बिन नहीं बन रहा। ठीक, अब अगर कार्बिन नहीं बन रहा तो देखो कोई रोटेशन का स्कोप नहीं हुआ, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया इधर, CH3, यहाँ पे H लगा हुआ है, H लगा हुआ है, इधर ये बॉन्ड बन गया H और H इस कार्बन के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था वही प्रोडक्ट आ गया, CH3H, CH3H, H और H। ठीक है, यही प्रोडक्ट था हमारा। तो इस तरीके से अपना फाइनल प्रोडक्ट इधर बन गया। आई होप क्लियर है ये बात। ठीक है, तो ये अपनी लास्ट नेम रिएक्शन हो गई, विच वॉज साइमन स्मिथ रिएक्शन, किसमें? कार्बिन में। एक रिएक्शन यहां पे और बचती है, अगर हम कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो अपन उसको भी लगे हाथ डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो एक रिएक्शन अपनी कौन सी बच गई, अगर हम कार्बिन का रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप के साथ देखते हैं तो उसको भी यहां पे देख लेते हैं। देखो जैसे कार्बोनिल ग्रुप है अपने पास R1C डबल बॉन्ड O R2। ठीक, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं यहां पे CH2N2H µ, हीट नहीं है तो यहां पे जो एंट्रोपी बढ़ के हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे थे वो वाला स्कोप थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन कुछ कुछ वैसे ही प्रोसीड करेगी जैसे आर डाइस्टन रिएक्शन में एक स्टेप प्रोसीड करा था जिसमें CH2 का जो एनायन बनता था उसका अटैक हमने किस पे कराया था, कार्बोनिल पे कराया था। तो इसका भी कुछ कुछ मैकेनिज्म वैसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है पहले अपन वो लिख लेते हैं R1C डबल बॉन्ड O CH2 R2। तो ध्यान से देखो ये भी किसका टाइप हुआ, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ होमोलोगेशन रिएक्शन। अब सवाल ये उठता है कि CH2 किसके बीच में आएगा, R1C के बीच में या R2C के बीच में? तो वो हमको पता चलेगा मैकेनिज्म से। ठीक है, तो उसके लिए अपन देखते हैं यहां पे इसका मैकेनिज्म। तो इसके मैकेनिज्म की अगर यहां पे बात करी जाए तो देखो पहले स्टेप में क्या है, वही चीज CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव लोन पेयर माइनस चार्ज, ये यहां पे आने की कोशिश करेगा ये वाला डबल बॉन्ड इधर, तो ये यहां पे किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, CH2 माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N विद प्लस चार्ज। ठीक है, अब ये एनायन बन चुका है, इधर कार्बोनिल प्रेजेंट है तो ये एनायन कार्बोनिल पे अटैक करेगा। दूसरी बात, इधर हीट नहीं लिया है तो यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ा के N2 निकालने का कोई स्कोप भी नहीं है। तो इसके बाद आता है कि ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल के लिए ये बन चुका है CH2 माइनस एनायन N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N लोन पेयर, ये अटैक करेगा कार्बोनिल इधर। ठीक है, ऐसे मिलने वाला डबल बॉन्ड इधर क्या बना है यहाँ पे, R1C O माइनस CH2 N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और यहाँ पे R2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे N2 रिलीज हो जाता है, ये हमने R डाइस्टेंट में भी करा था, N2 रिलीज हो जाता है, मैंने तुमको बताया भी था, तुम ऑब्जर्व करो जहां जहां N2 बनता है वो रिलीज हो जाता है और तुम आई गेस अभी ऑब्जर्व कर भी रहोगे ये चीज। तो बेसिकली यहां से इसी स्टेप के जस्ट बाद, तो मैं उसको वापस से नहीं लिख रहा हूं, इसी स्टेप के जस्ट बाद ठीक है क्या होता है, इधर से ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाँ प्लस लिख लो या वेकेंट ऑर्बिटल बना लो कुछ भी कर लो, इस तरीके से ये यहां पे क्या करता है, एग्जिस्ट करता है।
तो अब देखो यहां पे मैंने स्टार्टिंग में जब रिएक्शन लिखी थी उधर एक ही प्रोडक्ट लिखा है, तो यहां पे तुम एक प्रोडक्ट और लिखो जिसकी बहुत ही माइनर पॉसिबिलिटी होती है कि ये ऑक्सीजन और CH2 यहां पे बॉन्ड बना ले। तो यहां पे एक प्रोडक्ट और क्या आ जाएगा मेरे पास, R1CO CH2 R2। लेकिन फिर देखो ये वाला प्रोडक्ट बिल्कुल माइनर होगा। क्यों माइनर होगा? क्योंकि एक थ्री मेंबर रिंग आ रही है विच इज नॉट स्टेबल। तो ये यहां पे हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा क्योंकि थ्री मेंबर रिंग विच इज अनस्टेबल। कैसी रिंग बनेगी हमारी? अनस्टेबल रिंग बनेगी। ठीक है, तो ये माइनर प्रोडक्ट होता है, उस पर अपन को इतना ध्यान नहीं देना है, इस पर फोकस करते हैं अपन। तो अब इधर देखो, अगर ये ओ वाला लोन पेयर वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करेगा तो R1 और R2 में से जो अच्छा माइग्रेटर होगा वो माइग्रेट करके कहां चला जाएगा? CH2। और ये कार्बोकेटायन में पढ़ा है कि R1 और R2 में बेटर माइग्रेटर कैसे ढूंढते हैं, जो ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वैसे क्या होता है अपना? हाइड्रोजन, फिनाइल और मिथाइल। फिनाइल और मिथाइल में कैसे देखते हैं? जो ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर वो अपना ज्यादा अच्छा माइग्रेटर होता है। क्लियर ये बात? ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे माइग्रेट करके फिर हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता है? R1C डबल बॉन्ड O CH2 R2। तो किसके बीच में CH2 आएगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा बेटर है। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं इस पे अपन। चलो यहां पे देखो, अगर पहले मैं एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये ले, इसका रिएक्शन कराया हमने किसके साथ? CH2N2H में। तो यहां पे देखो, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ मिथाइल है, इन दोनों ग्रुप में से कौन बेटर माइग्रेटर है? ऑब्वियसली हाइड्राइड। तो यहां पे जो CH2 है वो हमारा कहां पे आ जाएगा? इधर आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, सेकेंड मान लो अपन ने ये ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O PH, इसका रिएक्शन सेम उसके साथ, इन दोनों में कौन बेटर माइग्रेटर है? PH। तो जो CH2 है वो कहां आ जाएगा? C और PH के बीच में। ठीक, फिर मान लो कि अगर अपन ने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ले लिया, PH C डबल बॉन्ड O H और ये हमारा यहाँ पे रिएजेंट है, इन दोनों में बेटर माइग्रेटर ऑब्वियसली हाइड्राइड है, तो CH2 हमारा कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी दे सकता है, साइक्लिक फॉर्म में दे दिया, ये भी कार्बोनिल है, इधर रिएजेंट, सेम रिएजेंट रखा गया। अब यहां पे देखो, इधर दोनों तरफ सेम ग्रुप है तो कहीं पे भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये है कि ये सिक्स मेंबर रिंग में हो जाएगा और कार्बोनिल ग्रुप एज इट इज आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर फोर मेंबर रिंग आ गई तो भी सेम काम। मान लो एक क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, CH3 CH2 ये रिंग है, C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे एक और बेंजीन रिंग है, सेम रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे फिनाइल, इधर भी फिनाइल, लेकिन यहाँ पे इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो ये वाला जो ग्रुप है ये बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा एज कंपेयर टू दिस ग्रुप, तो इसका माइग्रेशन होना चाहिए। तो इसका अगर माइग्रेशन हो रहा है तो CH2 इसके बीच में लगना चाहिए, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? CH3 CH2 बेंजीन रिंग, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O और ये वाली रिंग एज इट इज। ठीक है, आई होप क्लियर है किस तरीके से यहाँ पे हम रिएक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये अपनी कार्बिन की सारी रिएक्शंस यहाँ पे खत्म होती हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन नाइट्रीन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।